हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। लाल जोड़े में दुल्हन बनी खूबसूरत दिखें रवीना। शादी के 18वीं एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने शेयर किया अनसीन वीडियोस। आज रवीना टंडन और अनिल थडानी की 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। रवीना टंडन ने 22 फरवरी 2004 में अनिल थडानी से शादी की थी। ऐसे में आज इस खास दिन को याद करते हुए एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया। पति अनिल थडानी के साथ अपने वैवाहिक जीवन के 18 साल पूरे होने की खुशी में रवीना ने कई अनसीन वीडियोस शेयर किए हैं। ये वीडियोस उनकी शादी के दिन के हैं। दरअसल रवीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की वीडियो और तस्वीरों की एक पूरी सीरीज शेयर की है। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा है, जैसा कि हम अपनी विवाहित जीवन की व्यस्तता में आ गए हैं, आज 18 साल पूरे होने पर आपकी तुलना में मैं और कुछ नहीं मांग सकती थी। हमारे अच्छे और बुरे, मोटे यानी मैं और पतले यू यानी आप, अच्छे समय के माध्यम से आप ही सब कुछ हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रवीना और अनिल अपनी शादी के दौरान बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान रवीना ने सुर्ख लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना है तो वहीं अनिल ने सुनहरे रंग की शेरवानी पहन रखी है। शेयर की गई तस्वीरों में से एक में रवीना को माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। इन्हीं में से एक वीडियो में वो मंडप से अपने पिता को पुकारती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि अनिल थडानी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और बिजनेसमैन है। दोनों की मुलाकात 2003 में फिल्म स्टम्प्ड के दौरान हुई थी। रवीना न सिर्फ उस फिल्म में एक्टिंग कर रही थी बल्कि वो प्रोड्यूसर भी थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने खुलासा किया था कि उनकी शर्त थी कि वो केवल एक ऐसे व्यक्ति से ही शादी करेंगी जो उनकी गोद ली हुई बेटियों को स्वीकार करेगा। रवीना ने 1995 में 21 साल की उम्र में पूजा और छाया को गोद लिया था। वहीं अनिल और रवीना के भी दो बच्चे हैं, बेटी राशा और बेटा रणबीर वर्धन। वहीं उनकी गोद ली हुई बेटियां पूजा और छाया की शादी हो चुकी है। रवीना के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो हाल ही में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अरण्यक में लीड रोल में नजर आई थी। इसके अलावा वो इस साल कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 में भी नजर आने वाली है। रवीना को हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वेब सीरीज अरण्य के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऋतिक सभा के करीबियों का आज हम खोलेंगे राज। ऋतिक के फैमिली लंच में मेन्यू फिक्स करने के लिए नई गर्लफ्रेंड है आजाद। ऋतिक रोशन पिछले कुछ दिनों से सबा आजाद के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में है। और तो और, अब तो सबा एक्टर के परिवार के साथ भी नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, बीते रविवार को सबा ऋतिक के परिवार के साथ लंच एंजॉय करती हुई नजर आई, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लेकिन इस रोशन फैमिली लंच में खास बात क्या है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केरल के इस खास व्यंजन में क्या बनना है, कैसे बनना है और कैसे परोसना है। इस सब की ऑर्गेनाइजर सबा आजाद ही हैं। वहीं इसके अलावा इस लंच को प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी भी सबा के द्वारा मुंबई में स्थित नायर ऑन फायर इंडिया के शेफ को दी गई है। दरअसल केरल के एक व्यंजन परोसने वाले शेफ ने सबा और रोशन परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया है। लंच से ऋतिक और सबा के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, खुशी और गर्म जोशी से अभिभूत और इतना आभार और सबसे ज्यादा प्यार उसके लिए जो सबा आजाद ने हम पर इतना विश्वास किया। रविवार का दिन शहर के सबसे भव्य लोगों के लिए खाना पकाने में अच्छा व्यतीत हुआ। इसके अलावा उन्होंने अगली पोस्ट में सबा की भी प्रशंसा करते हुए लिखा, जब कोई इतना खास है कि केरल के भोजन में क्या बनना है, कैसे बनना है और कैसे परोसना है, तो बेंचमार्क भी बहुत अधिक हो जाता है। एक मजेदार, थोड़ी चिंतित और बेहद फायदेमंद दोपहर। इन सब के बीच ऋतिक और सबा की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में सबा सिर्फ ऋतिक रोशन के ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ नजर आ रही है।
ये फोटो भी 20 फरवरी संडे लंच के दौरान की है। इस पिक्चर को ऋतिक के चाचा राजेश रोशन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पीनेस इज ऑलवेज अराउंड स्पेशली ऑन अ संडे स्पेसिफिकली एट लंच टाइम। ऋतिक ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, हा, बिल्कुल सही चाचा और आपके साथ खूब मजा आया। राजेश रोशन की इस पोस्ट पर समा ने भी कमेंट करते हुए लिखा, सबसे बेहतरीन संडे। अब इन तस्वीरों को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि समा आजाद ऋतिक के साथ ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है। इन सब के बीच अब फैंस को इंतजार है कि कब ऋतिक और समा अपने प्यार का इजहार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम टू E24, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि गहराइयां आपने देखा या नहीं। अगर नहीं देखा है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर देखें आप, बिकॉज बड़े ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं ग्लोबली कह सकते हैं। और इस वक्त मैं गहराइयां की अलीशा यानी कि दीपिका पादुकोण के साथ बैठा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू, व्हाट अमेजिंग एनर्जी यू हैव। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ओवरवेलम्ड, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द फीडबैक, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आए होंगे आपको, पर रणवीर से क्या फीडबैक मिला आपको? वो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। नहीं, आई थिंक ही सेड इट्स अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग एंड ही वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी मेड एंड ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस। राइट, यस। ट्रेलर के वक्त आपने कहा था कि हमने सुना था कि जिसमें आपने कहा था कि रणवीर ने आपको सजेस्ट किया था कि शकुन बत्रा के साथ मूवी करनी चाहिए, तो क्या आप लोगों के बीच में ऐसे मूवी से रिलेटेड भी डिस्कशंस होते हैं कि क्या सेलेक्ट करें क्या नहीं सेलेक्ट करें वैसा? वेल, हम एक दूसरे के डिसीशंस में इंटरफियर नहीं करते, बट हम डिस्कस तो ज़रूर करते हैं क्योंकि आई मीन वी आर इन द सेम प्रोफेशन, तो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं कि ये मीटिंग हुआ था, ये नरेशन हुआ था, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, तुम्हें कैसे लगता है। बट इवेंचुअली जो डिसीशन हमें लेना पड़ता है कि यू नो वेदर यू आर डूइंग अ फिल्म नॉट डूइंग अ फिल्म, वी डोंट इंटरफियर इन दैट बिकॉज योर करियर इज़ योर आर योर चॉइसेस और एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन हैज़ टू बी मेक पीस विद देयर चॉइसेस, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। सो We discuss a lot, we talk about it, we give each other our feedback and opinion also, but eventually we, हमारे मन में जो है हम वही करते हैं। राइट, आपने ये चीज़ कहा था कि अलीशा का जो किरदार है वो आपके लिए मोर पर्सनल है आपके लिए, ऐसा आपने क्या ऐसे अलीशा में देखा जिसके लिए आपने ऐसा कहा था कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा करीबी है? बिकॉज आई थिंक वेरोनिका के बाद ये शायद मेरा एक ही या सेकेंड मौका था एक बहुत ही लेयर्ड और ग्रे कैरेक्टर पोर्ट्रे करने का मौका मिला, और ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए यू हैव टू इमोशनली रेडी होना पड़ता है। सो नरेशन के बाद मुझे दो दिन लगा सोचने के लिए कि क्या मैं ये इस चीज़ को मैं कमिट कर सकती हूँ या नहीं, एंड देन वंस आई मेड दैट कमिटमेंट देन ऑफ कोर्स आई न्यू कि चलो अब मैं ये कर रही हूँ और मुझे कमिट करना ही पड़ेगा, मुझे 100% या 200% देना पड़ेगा। और शायद इसलिए ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर के अंदर वी पुट आवरसेल्व्स इनटू इट। बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी मिलता है, बट एट द सेम टाइम हमारी जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है या सोच है जो विचार है वो सब हमें इसके अंदर यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू क्रिएट। सो ऑब्वियसली व्हेन यू गिव सो मच ऑफ योरसेल्फ इनटू एवरी कैरेक्टर और इनटू दिस कैरेक्टर स्पेशली, then you feel that emotional connection or that emotional bond, चाहे वो choices अलग हो। बिल्कुल, शायद जो choices अलीशा इस फिल्म के अंदर करती है शायद मैं वो personally मैं वो choices शायद मैं नहीं करती, but you can't disassociate yourself from emotionally you can't disassociate yourself from the character।
राइट. मूवी में हमने मेंटल हेल्थ को लेकर भी देखा इसमें कि एक बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जो बड़े होने पे वो अफेक्ट करता है. आपके आपको भी हमने देखा, आप हमेशा से आउटस्पोकन रही हैं मेंटल हेल्थ को लेकर. ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हमने देखा था. व्हाट यू वांट टू से अबाउट मेंटल हेल्थ, कितना सीरियस लेना चाहिए हमें इस चीज़ को? अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं तो हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लेना चाहिए, और अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते तो फिर मेंटल हेल्थ इज़ दैट्स अप टू यू. मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. बस बात यह है कि सालों से लोगों ने इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं किया है. बहुत स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर. बट आई थिंक अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे हैं. बिल्कुल. इसके बारे में बात करने लगे हैं. फिल्मों के अंदर भी हमने दिखाना शुरू किया है. और स्पेशली गहराइयाँ को लेकर बहुत मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अपलोड किया है कि जिस तरह से हमने इस चीज़ को समझा और डिपिक्ट किया. बिल्कुल. तो यस, आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. फिल्म के अंत में हमने देखा है एक छोटा सा सीन था जिसको हम क्लिप हैंगर भी कह सकते हैं. कि आगे क्या होगा, तो क्या कुछ हमें कुछ आगे कुछ इसका सीजन टू या कुछ वैसा देखने को मिलेगा या फिर फुटेज तो है. फुटेज तो है भाई, जो जितना शकुन ने शूट किया है हम सबके साथ पिछले 2 सालों में, फुटेज तो ज़रूर है. इफ़ ही डिसाइड्स कि मुझे इसका एक सीक्वल बनाना है तो वो ईजिली हो जाएगा. बट नहीं, आई थिंक द पॉइंट यही था कि लेट द ऑडियंस डिसाइड फॉर देमसेल्व्स. एंड आई थिंक वॉट एवर यू अराइव एट, कहीं ना कहीं शकुन को लगता है कि जो वॉट आंसर यू अराइव एट टेल्स यू अ लॉट ऑल्सो अबाउट योर सेल्फ. बिल्कुल. तो या आई मीन, और आजकल के ऑडियंसेस भी बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट हैं. मतलब द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी कैन प्ले विथ एन एंडिंग लाइक दैट. पहले एक ज़माना होता था बहुत काफ़ी स्पून फीड करना होता था, यू नो, बिगिनिंग से लेके एंड तक. बट आई गेस द ऑडियंसेस गेट बोर्ड ऑफ दैट नाउ. यू हैव टू यू नो कीप इट एक्साइटेड, एक्साइटिंग, कीप इट एंगेजिंग. एंड गहराइयाँ इज़ दैट काइंड ऑफ फिल्म जहाँ एंड के, जैसे आपने कहा, सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत कि क्या होगा इसके साथ. और बिल्कुल, मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती. हाँ, अच्छा. तो दीपिका, हमने हमेशा से देखा है कि बहुत सारे एक्टर बहुत सारे किरदार को निभाते हैं, उससे कुछ तो लर्निंग लेते हैं. अलीशा से आपने क्या ऐसा कुछ टेक अवे कह सकते हैं, आपने लिया क्या लर्निंग लिया? वेल, एक तो जो बचपन का, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा, बट आई थिंक बचपन के जो भी लर्निंग्स हैं या जो हमने अपने पेरेंट्स से हमने सीखा है, कहीं ना कहीं ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द बैड थिंग्स, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो हम आगे लेके जाते ही हैं. बिल्कुल. वो बात मैंने सीखी. दूसरी बात, लोगों को कम जज करना सीखा है मैंने, या मैं सीख रही हूँ. क्योंकि जजमेंट पास करना कि क्या सही है क्या गलत है, वो उस तरीके से सोचना बहुत आसान होता है. सालों से हम वैसे ही सोचते आए हैं. बिल्कुल. बट आई थिंक इफ़ दिस फिल्म हैज़ टॉट मी एनीथिंग, इट इज़ कि लोग अलग होते हैं, लोगों के सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोगों के सिचुएशंस होते हैं. अब वो सही है या गलत है वो अलग बात है. और मैं फिर से यही कहूँगी कि मे बी वी डोंट अग्री विद देयर चॉइसेस, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोगों को कम जज करना राइट सीखें, या अगर हम कर सकते हैं, तो दैट इज़ वन बिग लर्निंग फॉर मी. और अपने किरदार से आप किस तरह डिटैच होती हैं, अगर आप कोई किरदार को प्ले करती हैं, क्या इसमें वक्त लगता है या फिर नहीं लगता हो वक्त वैसा? वक्त तो लगता ही है, बट एट द सेम टाइम इट नेवर लीव्स योर सिस्टम एंटायरली. आज भी अगर कोई किसी ने कहा कि पीकू से एक सीन एनैक्ट करो, या विरोनिका का एक करो, या नैना तलवार का करो, वो तुरंत हो जाएगा. बिकॉज जैसे मैं पहले कह रही थी, यू पुट सो मच ऑफ योर सेल्फ इन टू एवरी कैरेक्टर कि
इट्स नॉट अ एटलीस्ट फॉर मी वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो रह जाता है जो यू नो व्हाटएवर कैरेक्टर यू हैव प्लेड व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड फ्रॉम दैट जो सीखा है इन कैरेक्टर्स के थ्रू या उस उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो हमेशा जहन में बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो रह जाता है सो आई डोंट थिंक इट विल लीव माई सिस्टम एंटायरली गहराइयाँ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि लोग अपने रिश्तों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे कुछ वैसा लोगों ने कुछ अलग महसूस किया हो वही बहुत वही बड़ी बात है अब उस सोच को लेकर हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड वो हमारे हाथ में नहीं है बट यस कला एक ऐसी चीज़ है जो वेरी ऑफन इट मेक्स यू थिंक इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डन विद दिस मूवी हम स्पून फीड जैसे मैंने पहले कहा हम स्पून फीड नहीं कर रहे हैं कि आपको ये ही फील करना होगा इस फिल्म के बाद या आपको ये ही सोचना होगा इस फिल्म के बाद वी हैव लेफ्ट इट ओपन टू इंटरप्रिटेशन और अगर लोग इस थॉट को लेकर आगे बढ़ते हैं लाइफ में या किसी को क्लैरिटी मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात है इसमें दो सिस्टर की कहानी भी दिखाई गई है जो कि बहुत ही अपने मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड कह सकते हैं तो आपके आपके सिस्टर के साथ कैसे संबंध है अगर आप बताना चाहें तो हमारे बीच 5 साल का गैप है तो जब बचपन में आई थिंक आई यूज़ टू मदर हर अ लॉट और अनीशा हमेशा कहती थी कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी दो माएँ हैं वन इज़ माई मदर एंड वन इज़ मी बिकॉज जस्ट इनहेरेंटली आई यूज़ टू बी वेरी मटर्नल वेरी प्रोटेक्टिव बट अब हमारा एक फ्रेंडशिप जैसे बन गया है वी आर एक्सट्रीमली क्लोज वो हर चीज़ आके मुझे बताती है मैं हर चीज़ जाके उसे बताती हूँ सो नाउ वी आर मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स अच्छा अभी अभी हमें हमने एक और भी न्यूज़ देखा था जिसमें कि आप अपने पापा से रिलेटेड एक मूवी पे भी काम कर रही हैं जो कि हमें पता है कि वो सबसे ज़्यादा क्लोज होने वाला है आपके दिल के करीब होने वाला है कुछ अगर उसके बारे में अगर हमें आप बताना चाहें तो ऑनेस्टली एक इट्स जस्ट अ वेरी वेरी इनिशियल थॉट रिसेंटली शायद मैंने किसी इंटरव्यू में कह दिया होगा बट आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट बिगर दैन इट ऑलरेडी इज एट दिस पॉइंट but yes we're definitely we're developing something and we'll talk about it when the time is right chaliye thank you so much hamare sath bane rehne ke liye thank you bahut shukriya aapka thank you so much thank you